चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब दुनिया के ज्यादातर देशों को अपने चपेट में ले चुका है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक दुनिया भर में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,13,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत चीन में हुई है। साथ ही चीन के पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया और अमेरिका में भी कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी है। कोरोना वायरस से चीन में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीन में 22 और लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में अब चीन में मरने वालों की संख्या 3,158 हो गई है। साथ ही चीन में कोरोना के 24 नए मामले भी सामने आए हैं। चीन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 80,700 से ज्यादा हो गई। हालांकि राहत की बात यह है कि चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वुहान शहर का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। चीन में जहां कोरोना वायरस धीरे धीरे नियंत्रण में आता जा रहा है, वहीं पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 60 हो गई है, जबकि 242 नए मामले सामने आए हैं। दक्षिण कोरिया में अब कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 7,755 हो गई है। कोरोना वायरस न सिर्फ चीन और दक्षिण कोरिया में कहर बरपा रहा है, बल्कि अमेरिका में भी कोरोना ने तबाही मचा दी है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1,000 के करीब लोग संक्रमित हैं।